दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। बगैर डिग्री के इलाज करते हुए पाए गए तो वही बाकी शटर बंद कर हुए रफु चक्कर। पाटी क्षेत्र में प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर कार्रवाई करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें कार्रवाई के दौरान पाटी तहसीलदार संजय चौहान, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश डोले व टीम ने स्थानीय क्लिनिकों पर दबिश देकर संचालकों के दस्तावेज जांच किए, जिसमें एक के पास डिग्री नहीं मिली तो वहीं दूसरे क्लिनिक पर संचालन संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने दस्तावेज लेकर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इधर क्लिनिकों पर कार्रवाई की खबर आग की तरह फैलते ही एक के बाद एक निजी क्लिनिकों के शटर बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। अधिकारियों के अनुसार बगैर मान्यता प्राप्त क्लिनिकों पर यह कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। ज्ञात हो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों ने आदिवासी भोले भाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने और BMO साहब ने मिलकर जो भी ये अवैध रूप से जो बिना नियमानुसार अपना रजिस्ट्रेशन कराए बिना क्लिनिक संचालित कर रहे थे, उन पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। कुछ जो है डॉक्टर वगैरह जो भी हैं, BHMS हैं या BMS हैं, और यहाँ जिनके पास कुछ डिग्री वगैरह नहीं है, वो जो संचालित कर रहे थे उन पर कार्रवाई करने का हमने आज प्लानिंग की थी, लेकिन मौके पे हमें एक दो लोग ही मिले जिनके पास कुछ के पास डिग्री थी तो उसके पास लाइसेंस नहीं था क्लिनिक संचालन का। मौके से हम जब मौके पे गए तो बंद पाए गए सारे क्लिनिक। तो इस तरह की कार्यवाही जो भी नियम अनुसार होगी हम उन पर कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी।